हम 2550 साल महाराज खुद के महापरिनिर्वाण को मना रहे हैं। यहाँ लद्दाख में मैंने देखा है जितने मेडिटेशन सेंटर मॉनेस्ट्रीज वगैरह हैं, आपके जो बुद्ध धर्म के लोग हैं दिल्ली में आकर हम सबसे मिले। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने इतनी व्यवस्था जरूर की है कि जो आपने बुद्धिस्ट सेंटर यहाँ बनाए हैं हम उनको और मदद कर और मजबूत बनाने के पूरे प्रयास करेंगे, ताकि दुनिया भर में लद्दाख से गौतम बुद्ध की शांति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच सके। और ये जो तनाव, ये जो आतंकवाद, ये जो मासूमियत की हत्या हो रही है उसको हम रोक सके, गौतम बुद्ध का बेटे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा। इसके साथ साथ आप जानते हैं इस मई को 2007 से हम भारत की आजादी के संघर्ष के लेकर भारत की आजादी मुकम्मल तौर हासिल करने तक 100 साल आजादी के संघर्ष और आजादी को मनाने जा रहे हैं। और आजादी आपसे मैंने बात की जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम पूरे भारतवर्ष में एक जश्न मनाएंगे कि हमने अंग्रेजों के राज को खत्म करकर महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश को आजाद करवाया भारतवर्ष को। मैं चाहूंगी आजादी के 1 साल जो हम जश्न मनाने की बात कर रहे हैं हम इस 1 साल की शुरुआत लद्दाख से करेंगे और दुनिया भर के विश्व ख्याति के लोगों को यहाँ बुलाकर यहाँ से पूरी दुनिया को मैसेज भेजेंगे कि अहिंसा शांति और अमन ही चाहिए अगर दुनिया को तरक्की करनी है और विकास करना है। मैं आपको बहुत लंबा और नहीं कहकर कुछ हद तक हवा रुक गई है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ ये जो लद्दाख सिंह खबाब फिल्म फेस्टिवल है इसका उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आपके बच्चे तरक्की करें, आप तरक्की करो, पूरा इलाका तरक्की करे और जम्मू कश्मीर रियासत में फिर इसी तरह से चैन अमन शांति और विकास को दे सके, इसी शुभकामनाएं से आपका उद्घाटन फंक्शन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी है। जय।